रात को काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गया और लड़ाई में मेरे गले का था तो सब छीन लिए हैं, मारे भी हैं और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिए हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे उन सबका। इसकी वजह से वो काफ़ी लोग थे, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिए हैं और मेरा गले का भी छीन लिए हैं। तो मान लीजिए जिसके पास पैसा रहता उसका दुनिया सुनता है और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा, हर एक काम पैसे से नहीं होता है। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मारी, हमको तो मारे हैं पक्का, क्योंकि हम अपने भाई को बुलाने के लिए गए, बाहर था छोटा है, जाने के चक्कर में हमको मारे हैं सब, उसको भी मार दिए हैं और उससे ज़्यादा हमसे जलन था उन सबको, तो हमको भी मारे हैं। और मेरे गले में चैन था जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो बनाते समय हम गए हैं और फ़ोन गिरा दिए हैं और माला भी छीन लिए हैं सर। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि इन सब का हम क्या करें। उसको पैसा का गर्मी है तो डेली हम लोग को मारेगी, हमेशा गरियाएगी, दरवाजे पे चढ़ के रात को 9 बजे मैं दरवाजे पे चढ़ के हमको मारने आए सब, और मेरा गले का चैन छीन लिए हैं। तो आप लोग बताइए हम उसका क्या करें। अगर अहिरौली थाना सा नहीं कुछ होगा तो हम पड़ौना तक जाएंगे, मगर इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब देखो तब इसका एक लड़का है मारने के लिए घर पे आ जाता हम लोग को। हमारे भाई छोटे हैं तो कोई हम लोग को मार देगा और धमकी भी देते हैं सब कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप को मरवा देंगे। तो देख लीजिएगा, अगर कुछ भी हुआ तो इन सबको हम छोड़ेंगे नहीं, बेशक से सलाम को कुछ भी करना पड़ जाए हम लोग को पक्का नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग बताइए कि हमको इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गरीब इंसान जी नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन सब के साथ क्या किया जाए और हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। अगर अहिरौली थाना से नहीं हमको इंसाफ मिलेगा तो हम पड़ौना तक जाएंगे, मगर इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको मारी भी है, हमारा गले का चैन भी छीनवा ली है और इतना लोग मिलके गाली भी दिए हैं, दरवाजे पे चढ़ के मारने आए, हमारा फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमारे साथ इतना सब किए हैं और हम कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसके आगे हम लोग 3 लोग थे और वो काफ़ी लोग थे। तो आप ही लोग बताइएगा कि हम क्या करें और हमको इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम आगे से जाएंगे, मगर इंसाफ चाहिए तो चाहिए। देखते हैं साला हमको इंसाफ कौन नहीं दिलवाता है। जहाँ जाना होगा हम पहुँचेंगे, पर इसका डेली का लड़ाई नहीं देखना हमको, क्योंकि मारने के लिए हमारे घर चले आते हैं, हम दरवाज़ा बंद करके छिपते हैं। इससे क्यों छिपते हैं, रीज़न क्या है, गलती क्या हम लोग का है, पैसा नहीं है तो छिप के रहेंगे, मार खा के रहेंगे। भाई छोटे छोटे हैं, मेरा भी भाई इतना बड़ा रहता तो वो भी इसका गर्मी देख लेता, पर नहीं है तो सब दरवाजे पे चढ़ के मारने आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं सब। तो आप लोग हमको इंसाफ दिलवाएंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम तो उसको पक्का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे गले का चैन छीन लिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मारे भी हैं हमको सब। अब इसका अंजाम वही सब जानेंगे कि क्या होगा। अगर हमको अहिरौली थाने से नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम पड़ौना तक जाएंगे, पर हम जाएंगे क्योंकि इसका रीज़न हमसे लड़ना, हम लोग को जलना, तो हम इसको देख लेंगे कि इसके पास पैसा कितना है। पैसा रहेगा तो किसी को मार देगी क्या, कि किसी को खिला देगी, उसका पैसा उसी के पास रहेगा। पर इसका इंसाफ हमको चाहिए तो चाहिए। आप लोग हमको इंसाफ दिलवाएंगे या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मारी भी है, चैन भी छिनवा ली है, दरवाजे पे चढ़ के गाली भी दी है, मोबाइल भी तोड़ दिए सब, और केस किए हैं अहिरौली से। देखते हैं क्या होता है, अभी जाने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा हमारे साथ कितना गलत की है। हम यही सोचते हैं ना, हम किसी के साथ गलत करते हैं और ना गलत होने देते हैं। तो आप लोग बताइएगा, हमको मारी भी है, मेरा चैन भी छीनी, मेरा फ़ोन भी तोड़वाई है। आप लोग वीडियो में देखिएगा, वीडियो डाल दिए हैं कि हमारे दरवाजे पे चढ़ के कैसे मारने आए हैं सब। तो आप लोग देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा और कितना गाली दे रही है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको इंसाफ दिलवाइएगा, नहीं तो हम
पड़ा तक पहुँचेंगे।